मॉर्निंग, ये कह रहा था कि पिछले क्लास में मैंने मोल संकल्पना क्लास 9 का प्रमाण पाठ में है मोल संकल्पना थोड़ी सी पढ़े थे। आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं, आशा है आपको पसंद आ रहा। ठीक है, तो मोल संकल्पना से मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 मोल इक्वल टू वाटर नंबर के बराबर होता है 1 मोल इक्वल टू 6.022 × 10^23। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, जैसे मोल है, जैसे मान लीजिए कि जो 1 मोल H2O, 1 मोल H2O है, तो इसके जो हो जाएंगे 6.022 × 10^23। तो यह अवोगाड्रो संख्या है। यह संख्या कैसे आता है यह हम हायर क्लास में आपको बताएं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1 है। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोलों की संख्या निकाल करके देखते हैं। तो H परमाणु इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 × 6.022 × 10^23। हाइड्रोजन कितने हैं, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो ऑक्सीजन परमाणु इक्वल टू कितने हो जाएंगे, क्योंकि 1 है तो 1 × 6.022 × 10^23। तो यहां क्योंकि हम हाइड्रोजन लिखे हैं, यहां H2O लिखे हैं, तो हम लिखेंगे यहां H2O को अणु लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहां पर परमाणु लिखे हैं, यहां हम लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु और यहां पर ऑक्सीजन लिखे हैं, यहां पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, तो जब यह मोलों की संख्या है तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो हम जानते हैं कि H2O का जो द्रव्यमान होता है, H2O का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान, H2O का जो आणविक द्रव्यमान होता है आणविक द्रव्यमान का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान है। हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 + 16, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। समझ गए, तो यहां पर चूंकि द्रव्यमान है तो जल के H2O के 1 मोल का द्रव्यमान है, तो कह सकते हैं कि 18 ग्राम H2O इक्वल टू कितने हो जाएंगे मोलों की संख्या 6.022 × 10^23 है ना। यह क्या हो जाएगा H2O अणु। तो इस तरह से यह क्योंकि 18 ग्राम होता है तो हम लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं 1 मोल H2O, 1 मोल H2O इक्वल टू 6.022 × 10^23 H2O अणु। इसी तरह से हम यदि सपोज करिए कि कार्बन का है ना, तो कार्बन के कितने होते हैं परमाणु का 12 होते हैं, तो C परमाणु के मोल इक्वल टू 6.022 × 10^23 C परमाणु। यह आपसे लिखना होगा। अब चूंकि इसमें सी परमाणु का कितने ग्राम दिया है, होता है परमाणु का 12 ग्राम सी परमाणु मोल जो हो जाएंगे यही 6.022 × 10^23 सी परमाणु। समझे, अब इसमें कुछ सूत्र है, यह सूत्र हमें याद रखना होता है जो आपको निवेदन बनाने में मदद करेगा। खास करके 2 सूत्र हैं, तो हम लोग सूत्र लिख देंगे प्रयत्न करते हैं। तो देखिए सूत्र प्रारंभ, सूत्र जो होता है यह ध्यान दें, मोलों की संख्या
फिर से दर्शाते हैं इक्वल टू दिए गए द्रव्यमान या इसे स्मॉल एच बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर या पानी द्रव्यमान भी कहते हैं, पानी मोलर द्रव्यमान द्रव्यमान इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ग्रास मतलब है द्रव्यमान से, ठीक है। यदि हम द्रव्यमान निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि है आपका एक सूत्र बन जाता है। दूसरा सूत्र है, अब देखिए द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान बराबर इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या की संख्या एन गुणे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या एम हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि स्मॉल एम इक्वल टू एन अपॉन एम, या आपका क्या हो जाएगा दूसरा सूत्र हो जाएगा, ठीक। इसी तरह तीसरे सूत्र की बात करते हैं, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n बराबर, n बराबर होता है तो दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो संख्या है, तो इसे हम एन जीरो से दर्शाते हैं, है ना। तो दिए गए कणों की संख्या को हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल एन लिखते हैं, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन अपॉन एन जीरो लिख सकते हैं, एन क्या हो जाता है मोलों की संख्या और कैपिटल एन हो गया दिए गए कणों की संख्या, कणों की संख्या में अणु परमाणु अथवा आयन हो सकता है। तो अवोगाड्रो संख्या का मान जानते हैं 6.022 × 10²³, ठीक है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल है तो हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, तो मोलों की संख्या हमें ज्ञात करना है, समझ गए। तो मोलों की संख्या के बराबर दिए गए द्रव्यमान स्मॉल m बटे मोलर द्रव्यमान कैपिटल है। अब यदि हम इसे गुणा कर देते हैं मोलर द्रव्यमान इक्वल टू मोलों की संख्या n अपॉन मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, तो m इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल है, तो स्मॉल n क्या हो जाता है मोलों की संख्या। अब हमें मोलों की संख्या यदि कण दिया हो, अणु परमाणु अथवा आयन दिया हो, ऐसी स्थिति में यह सूत्र लगाएंगे मोलों की संख्या के बराबर दिए गए कणों की संख्या कैपिटल एन बटे अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो संख्या होता है 6.022 × 10²³ होगा। अब हम इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, आगे प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। यह अभी हम लोग बेसिक फंडा पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल चीज पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन है मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, पहला है आपका 52 ग्राम हीलियम, 52 ग्राम हीलियम, हीलियम। दूसरा है आपका 12.044 × 10²³ एच की परमाणु की संख्या, एच की परमाणु की संख्या। तो हम लोग पहला का आंसर हम देखते हैं, हाँ सॉल्यूशन है पहला का ए का, ऐसा है कि जो इसे क्या निकाला मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या
द्रव्यमान m। तो यहाँ पर मोलों की संख्या द्रव्यमान कितने दिया है 52। तो एचसी का जो मोलर द्रव्यमान होता है, एचसी का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान यह 4 होता है, थोड़े एम होता है, एम होता है, ठीक है। एचसी का जो यह फोर ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एचसी हीलियम जो है यह आपका क्या होता है, यह अपनी गैस से होते हैं, यह परमाणु अवस्था में हो रहा है, इसलिए हम मोलर द्रव्यमान ना लिख करके परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 52/4, तो 13/52, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा 13। तो हीलियम के कितने मोलों की संख्या हो गया, मोलों की संख्या आपका निकल गया, मोलों की संख्या, समझ गए, मोलों की संख्या के बराबर कैसे निकालते हैं, तो दिए गए द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, क्योंकि हीलियम परमाणु अवस्था में होता है, इसलिए 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन और है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में है कि आपका बी में दिया है कि क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालना है, तो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा दिए गए द्रव्यमान बटे कणों की संख्या बटे मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन का आंसर बनाने का प्रयत्न करते हैं। मोलों की संख्या n बराबर दिए गए कणों की संख्या, कणों की संख्या आ चुके हैं हमारे फॉर्मूला n अपॉन अवोगाड्रो संख्या n0 का मान जानते ही हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा दिए गए कणों की संख्या कितने हैं 12.044 × 10^23। और अवोगाड्रो संख्या क्या होता है 6.022 × 10^23। तो ये तो ऐसे ही कैसे हो रहा है, अब इसको हम क्या हल करेंगे, 2 से काट देंगे, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसके उत्तर क्या हो जाएंगे, मोलों की संख्या कितने हो जाएंगे, कहने का मतलब है 12.044 × 10^23 हीलियम परमाणु में मोलों की संख्या जो होता है वह 2 होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, आप बनाओगे, निश्चित रूप से बनाओगे, ये कोई बहुत बड़ा मैथ नहीं है, आप यदि जागरूक होंगे तो सब जानोगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा होगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, है ना, और कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप कमेंट लिखेंगे, ठीक है।